दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। जोधपुर में भी आज जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग ने ड्राई रन के माध्यम से अपनी तैयारियों को परखा। जोधपुर शहर में रेजिडेंसी व बनाड़ में ड्राई रन के माध्यम से व्यवस्था की जांची गई। सीएमएचओ बलवंत मंडा की निगरानी में और आईएएस अधिकारी अपूर्वा के सुपरविजन में ड्राई रन शुरू हुआ। इसके माध्यम से ये परखा गया कि वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट से वैक्सीन किस तरह से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में उन्हें कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजने के बाद एक व्यक्ति को लगाने में कितना समय लगेगा, इस तरह की पूरी व्यवस्था को परखा गया। रेजिडेंसी चिकित्सालय में प्रारंभिक तौर पर 2 दर्जन से अधिक हेल्थ वर्कर को इस ड्राई रन के शामिल किया गया। बकायदा एक एक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सीएमएचओ बलवंत मंडा ने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी सेंटर पर देखने को नहीं मिलेगी। रेजिडेंसी वैक्सीन बूथ पर 3 कमरे तैयार किए गए। पहला वेटिंग रूम जहां पर टीका लगाने वाले की पहचान पत्र वगैरह की जांच की जाएगी। उसके बाद टीका लगाने के लिए सबसे पहले यहां पहुंचना होगा। वेरिफिकेशन के बाद संबंधित शख्स को वैक्सीन रूम में भेजा जाएगा जहां पर उसे वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद संबंधित शख्स को ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाएगा जहां अगले आधे घंटे तक उनकी निगरानी की गई। कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन रूम में एक बार सिर्फ एक ही व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी जिसका टीका लगाना है। रूम में 5 वैक्सीन ऑफिसर होंगे। टीके के लिए चयनित शख्स को टीकाकरण के बारे में पहले ही जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उन्हें SMS से सूचना दी जाएगी कि आप अमुक पते पर अमुक समय पर टीका लगवाने के लिए पहुंचे। वैक्सीन ड्राई रूम के लिए सीओविन नाम से एक ऐप बनाया गया है। अगले कुछ दिनों में इस ऐप पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा की जाएगी। गौरतलब है कि देश के कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और करनाल में 4 बड़े वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ भी विशेष विमान या स्पेशल वेज के जरिए वैक्सीन को भेजा जाएगा। वैक्सीन को जोधपुर के स्टोरेज पॉइंट तक लाया जाएगा। स्टोरेज पॉइंट से उन्हें वैक्सीनेशन के लिए तय बूथ पर भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री मोदी के भी मैं निर्देश हैं, जिस तरीके से कोविड नियंत्रण के अंदर राजस्थान सिरमौर रहा है, उसी तरीके से वैक्सीन के अंदर भी राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाए और इसमें अग्रणी रहे। और उसी को देखते हुए आज जयपुर समेत कुछ जिलों के अंदर ड्राई रन का प्रोग्राम इसमें रखा गया है। और ड्राई रन के अंदर आज जोधपुर के अंदर एक तो जहाँ हम खड़े हैं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, ये 2 सेशन साइट्स इसमें चूज़ की गई है। 25-25 बेनिफिशरीज इसमें एलोकेट किए गए हैं और उन बेनिफिशरीज़ को देखते हुए जो हमारा संपूर्ण प्रोसेस है, केवल उसमें वैक्सीन नहीं लग रही है, उसका अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस इसके अंदर फॉलो हो रहा है। और उस प्रोसेस में कहाँ कमी रह रही है, कहाँ या हम इसको और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही, इस चीज़ों को हम फॉलोअप करेंगे। सर, किन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी गई है? देखिए, प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण में निश्चित रूप से जो हमारा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका डेटा अपलोड किया गया है और उसी को हेल्थ केयर वर्कर्स को इसके अंदर प्राथमिकता दी गई है। जी, बेसिकली मुझे जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कितना समय लग रहा है, जो आने वाले लोग हैं उन्हें क्या सूचना मिली है और उन्हें यहाँ पे किस तरीके से सहायता प्रदान करी जा रही है। तो इन सभी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन के लिए हमें यहाँ पर लगाया गया है। एंड जैसा कि यहाँ पर पूरा अभी देखा मैंने तो काफ़ी संतोषप्रद व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर पूरा एरो मार्क्ड है, हर पर्सन को ड्यूटीज असाइंड है। एंड इसके अलावा जो लोग हैं उन्हें पूरा सेशन एलोकेट किया हुआ है जिससे कि कोई भी किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो अंदर जाके। और जैसे ये ड्राई रन ख़त्म होगा तो और बारीकी से एक बार इसका हम आकलन करेंगे कि क्या क्या इस व्यवस्था के सुधार की ज़रूरतें हैं। कितने लोगों को ड्राई रन लगाया जा रहा है? जी, आज के दिन 2 जगह पे ड्राई रन हो रहा है जिसमें आज 25 लोगों का यहाँ पे और 25 लोगों का बनाड़ में हो रहा है। तो इस तरीके से आज 50 लोगों का कुल ड्राई रन हो रहा है। 3 घंटे का यहाँ पे समय आवंटित किया गया है, 10 से 1। अपूर्वा परवाड़।